जी जी, शर्लिंग एक बहुत अच्छी लड़की है, उसका पास्ट मैं भूल जाना चाहती हूँ। मेरे लिए आज की तारीख में है क्योंकि जो दिलासा मेरे, मैं एक जिंदा लाश हो गई हूँ, जो उसने राखी से राखी को मिलाया, जो उसने दिलासा दिया मुझे, उसके उसके दो चार शब्द मेरे लिए जीने के लिए काफ़ी है। उसने कहा, मैं उसने कहा तू क्या बार बार कहती है आई लव आदिल, नहीं राखी क्या क्या, आई लव माई सेल्फ, और तुझे फिर से जीना है, फिर से वो परदेसी या गर्ल बनना है, स्लिम ट्रिम मेरी जैसा होना है, काम कर और आगे बढ़ राखी। बहुत अच्छा लगा, मैं उनके जूह के बंगले में हम लोग मिले थे। थैंक यू शर्लिन मुझे जगाने के लिए। भूल जाओगे मतलब आपकी और शर्लिन की दोस्ती वापस, मतलब जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल फिनाले हैं। मेरे हिसाब से सामने सामने मुझे लगता है तीन लोगों को फिनाले में होना चाहिए, प्रियंका शिव और शालिन। मुझे लगता है एमसी स्टैंड का तो मालूम नहीं, मुझे लगता है एमसी स्टैंड को 40 लाख का बैग लेके भाग जाना चाहिए। और ये तीन लोगों को, ये तीनों ही विनर है मेरे लिए। आप होते तो क्या करते? अरे मैं तो कभी नहीं जीतती हूँ बिग बॉस, मेरे लिए बिग बॉस सिर्फ पेटी रेडी करते हैं। पता नहीं, मुझे बुलाया तो नहीं है, शायद मेरे ऐसे हालात है तो नहीं बुलाया। मेरे तो रियल जिंदगी का बिग बॉस चल रहा है। ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना मेरी को कहानी, घर घर की कहानी। काम तो चलता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन जो मेरे दिल पे जख्म है, जो निशान है मेरे हस्बैंड के, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी बेइंतहा। बहुत आसान होता है ब्रेकअप हो जाता है भुलाना, मेरे लिए मेरा ब्रेकअप हो गया है। शायद वो जेल से आने के बाद हम एक दूसरे को डाइवोर्स भी दे दे, बट मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती। मैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा करवाना चाहती हूँ कि तुमने जो मेरे साथ किया, इन फ्यूचर तुम किसी और लड़की के साथ शादी करो तो उसके साथ ना करो, क्योंकि आई आदिल एक साइको केस है, वो अपने आप को मारता है गाड़ी में बैठ के, अगर उसकी कोई नहीं सुनता, सर पे मारता है, खुद को चोट पहुंचाता है, खुद का हाथ तोड़ता है और वीडियो बनाता है कि मुझे मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने मारा। ये गलत है आदिल, सुधर जाओ। चलिए थैंक यू।